हेलो फ्रेंड्स, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इनकम पिछले जून में थी 200 करोड़ और अभी है 168 करोड़। एक्सपेंस पिछले जून में थे 198 करोड़ और वो भी कम हुआ है 156 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले जून में था सिर्फ 1 करोड़ और वो बढ़ के हुआ है 12 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पिछले जून में था 1 करोड़, वो भी बढ़कर हुआ है 11 करोड़। आइए डिफरेंस देखते हैं इस जून में क्या हुआ पिछले जून के मुकाबले परसेंटेज टर्म्स में। इनकम 15% कम हुई, एक्सपेंस भी अप्रोक्सीमेट उतना ही कम हुए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 700% बढ़ा, मतलब 8 गुना हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1300% बढ़ा, मतलब 14 टाइम्स हो गया। कंपनी की शेयर प्राइस अगर हम देखें तो जनवरी में जो हाईएस्ट लेवल था निफ्टी का, वो टाइम पे जो अबाउट 350 की प्राइस थी, बाद में कम होके सिर्फ 30% रह गई थी। ये देखें अप्रोक्सीमेटली 1/3 प्राइसिंग, अगर ये 360 है तो ये अबाउट 120 है, मतलब कंपनी की प्राइस 67% निकल गई थी। बाद में अच्छी रिकवरी की है कंपनी ने और अप्रोक्सीमेट जनवरी के हाई तक पहुंच गई है, लेकिन पिछले 10 दिनों से यहाँ पर देखें प्राइस नीचे जा रही है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।